अपने वोट पे डाका नहीं डालने देंगे, तो ऐसा ना हो कि हालात वहां चले जाएं कि फिर संभाले ना जाए। हैदराबाद को ताला लगाएंगे और फिर सड़कों पे आएंगे, क्योंकि इनफ इज इनफ। हम चाहते हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शन। जनाब शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आपकी दो इत्तेहादी जमात, जिसकी भैसाकी पर आपका इख्तदार खड़ा हुआ है, और बड़ी जमात है JUI और MQM ने आपके सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे को मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम साहब इसका नोटिस लें। वजीर आजम साहब अपने इत्तेहादी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से बात करें। ऐसा न हो कि आपकी दो इत्तेहादी जमातें आपसे इख्तदार की भैसाकी वापस लेने पर न सोच लें। नाज़रीन, मुश्किलात में घिरी मखलूत गवर्नमेंट की परेशानियां बढ़ रही हैं। दो माह में ही इत्तेहादियों ने गवर्नमेंट को आंखें दिखाई हैं। MQM पाकिस्तान, BAP, JUIFA, अवामी नेशनल पार्टी, असलम भूटानी ने गवर्नमेंट के रवैये, तरक्याती फंड्स ना मिलने और सिंध में हंगामा खेज बल्दियाती इलेक्शन पर शदीद तहफ़ुज़ात और सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। गवर्नमेंट को छोड़ने की धमकी दी है और ख़बरदार किया है कि अगर गवर्नमेंट ने अपना रवैया ना बदला तो अपोजिशन बेंचेस पर जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। धमकियों के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। इस हवाले से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी एक्टिव हो चुके हैं और इत्तला ये आ रही हैं कि वो भी जल्द इत्तेहादियों से अहम मुलाकातें करें।